हे गाइस वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। सो देखिए यहाँ पे आपको कुछ 9 किलोमीटर दिख रहा है। हे गाइस वेलकम बैक। सो सबसे पहले एक छोटी सी बात कि ये मेरा व्लॉग है, डेली व्लॉग है। मैं इसमें रोज़ क्या करता हूँ उसका एक छोटा सा वीडियो बना के व्लॉग बना के यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ। एक अपना सा पैशन है, पर पता नहीं कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं और कुछ अलग ही इसको बना रहे हैं, अलग ही कॉमेंट्स कर रहे हैं। सो जिनको ये वीडियो बोर लगता है वो वीडियो ना देखे, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे। सो आगे आज देखते हैं कौन सा काम कितना काम होने वाला है। आ गया हूँ आप साकिब के पास। KTM में न्यू स्पीडोमीटर लगा चुके हैं। ओके, नया वाला बिल्कुल एक स्क्रैच नहीं है और अंदर बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। सो देखो स्पीडोमीटर लग गया कवर, मतलब भी कोई नाखून वाकी ना कोई हाथ मारा तो स्क्रैचेस नहीं आएंगे, उतना टेंशन नहीं। अब दो तीन काम करना है। सिम कार्ड कवर आ चुका है, लग चुका है, तो अब इस पर नाखून मारो या हाथ मारो स्क्रैच का नो प्रॉब्लम, डिस्प्ले पे कुछ नहीं होगा। चलो ये काम भी हो गया। सो आप भी अपने बाइक को करा सकते हो, बाइक कौन सी बाइक हो स्क्रैच तो लग ही जाता है। इससे बोलता हूँ यार ये व्लॉग आप अगर आपको ये व्लॉग में मज़ा नहीं आ रहा, ये वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो यार। ओके, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर आप बार बार देख रहे हो मेरे बोलने के बाद भी आगे देख रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, तो इसका मतलब आप में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो आप अपना प्लीज़ दिमाग का इलाज कराएं, फिर ऐसे घटिया वीडियो ना देखें। तो चलो जाते हैं जिसमें स्पीडोमीटर फिट करने के लिए और बाकी काम देखेंगे, चलते छोटे। सबसे पहले तो इसको चालू करके देखते हैं। वाह, कर दिया तो क्या भाई, यहाँ पे आया हूँ, स्पीडोमीटर वायर ले लिया है, निकल ये बंद रहने दो। और मैंने उसको पैसा दे दिया हूँ, मगर अभी पैसा मांगेगा वो। नहीं, मैं इधर पैसा रखा था। अरे मैं इधर रखा था, याद है मेरे को भाई। नहीं तो दिख रहा है आपको स्पीडोमीटर यहाँ पे, तो आपको सिर्फ ये तकलीफ है कि ये दो अलग अलग दिख रहा है ना, तो ओके मैं इसको बना आकिब के पास जाके ना ग्राफिक्स लगवा दूंगा, स्टिकर दोनों सेम, तो ऊपर से दोनों सेम दिखेंगे लेकिन जब जलेंगे ना तो अलग अलग कलर जलेंगी, तो दिख बस लुक की वजह से आप इतना बोल रहे हो ना, हो जाएगा लुक चेंज। अब ये स्पीडोमीटर यहाँ पे है, यहाँ पे एक सिग्नल का पीछे का तो आराम से ब्रैकेट बन जाएगा, आगे का सोचो। देखो छोटो काम सीख रहा है स्पीडोमीटर यहाँ पे, और सिग्नल कैसे लगाओगे नहीं मिला अभी, समझ ही बोलेंगे। अच्छा वही बराबर है, चारों में सेंटर पंच मार, सेंटर पंच मारो हमारे। हो जाएगा, बस लाइट फिर वायर लगाना है, निकलो। ये देखिए स्पीडोमीटर झटपट एकदम बैठ गया स्पीडोमीटर, और आगे सब थोड़ा भरा दिख रहा है, स्पीडोमीटर भी आ गया इसमें। हाँ ये लो काम फिनिश, करोगे तो ऐसा हो जाएगा, टाइट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ये। ओके, तो ये जो बड़ा वाला नट है मैं छोटा वाला लेके आता हूँ, सेम ये वाला नहीं, ये नहीं बहुत बड़ा हो गया ना, मतलब पट्टी मंड वाला चाहिए, हेडलाइट ही चलोगे ना। ओके ले लो, माना कि तुमसे गलती नहीं हुई है, गलती अचानक से होगी। मैंने हेलमेट इसके ऊपर रख दिया था और गिर के आगे का जे हुक इसका जो जे हुक है टूट गया है, वापस से बॉम्बे जाने की तैयारी करनी पड़ेगी, जे हुक टूट गया है। तो यहाँ पे स्पीडोमीटर लग गया, अब इसका ये दो नट जो यहाँ वाला है ये दो नट में टाइट कर देता हूँ। अब जो है यहाँ पे जो है इग्निशन नहीं लगेगा, तो इग्निशन हम कहीं और लगाएंगे, जैसा एवेंजर में इग्निशन कहीं और रहता है वैसा हम इग्निशन को छुपा के रखेंगे। हाँ ऐसे ऐसे, हाँ कि नट टाइट कर सकूँ मैं। हाँ नट टाइट कर तो आराम से चलेगा, ठीक है। ए नहीं तो बाद में हो जाएगा लफड़ा यार, बाद में पेटी वेटी बनाऊंगा ना मैं इधर, सब सब मतलब घूमने जाने के लिए बना दो, जब का बाद में देख लिया बेटा, लगा दो यहाँ पे चेंज किया हम लोगों ने शेड्यूल, नहीं वही देखते देखते लगा तो वेल्डिंग वो वाला है क्या। सोनी सबसे बेस्ट है भाई साउंड में, सोनी सबसे बेस्ट है। हाँ सोनी सबसे बेस्ट है, पूरा दिन का मूड खराब हो गया था। हाँ वेल्डिंग के पानी वालों कमज़ोर तो नहीं होएगा ना। हाँ हो गया ना एक नंबर, मैं चाकी लेके यहाँ से डाल दूँगा। लो जी सिग्नल भी बहुत ही अच्छे तरह से हो गया, तो दिख जाएगा। हाँ तो यहाँ पे, हाँ यहाँ यहाँ से पट्टी बना दो, यहाँ से ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा। इंजन मोड़ मारा, इंजन मोड़ देना। हाँ
ये पीने के पानी में ठंडा कर रहे हैं, वाह वाह वाह। तो अभी आगे के लिए एल ब्रैकेट बनाए, इसमें एल ब्रैकेट ये हेडलाइट अपना, जो सॉरी हेडलाइट सिग्नल लाइट तो बाहर दिखे। और थैंक यू सो मच मेरे सभी दोस्त यार, सभी भाई लोग जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं यार। अभी मैं कमेंट से ध्यान दूंगा ही नहीं यार, अपने काम पे फोकस, बस घूम रहा इधर से। सब पट्टी को कलम आना पड़ेगा वरना जंग लग के खराब हो सकता है। तो यहाँ पे एक एक काम हो गया, मीटर भी लग गया, बस मीटर का वायर लगाना बाकी है, बाद में सिग्नल लगाना बाकी है। और ट्राई करूँगा मैं कल की, कल इसमें ना पीछे का कुछ काम करना, मैं आपको कल या कल बता दूँगा। तो अब बस अब वेल्डिंग का काम उतना नहीं है, अगर काम रहा तो बताऊँगा। देखो अगर ये सब काम है, वेल्डिंग तो लगेगा ना यार, वेल्डिंग के बिना कैसे ये काम होगा। क्योंकि काट के पूरा नया पीछे से चेचिस बनाया है, सो हो गया है सब। और एंड में, सबसे एंड में आएगा इसमें नया तार, नया ट्यूब। उससे पहले तो सोकॉप्सर आएगा जैसा करेंगे। और साइड में सोचता हूँ कि 220 मतलब पल्सर का जो पैनल है वो पैनल इंस्टॉल कर दूँ, बिकॉज पैनल जाते में दो बार आ चुके हैं। और मैं गाड़ी पर नंबर लगा देना चाहता हूँ, तो देखिए नंबर कैसे ढूंढा मैंने, वीडियो चालू किया, इसमें नंबर क्या है, MH04BM148। तो देख नंबर कहाँ लगाएंगे, आगे आगे मडगार्ड पे, पीछे मडगार्ड पे, सेम साइज रहेगा। ओके, और जो इसका हेडलाइट दिख रहा है ना, हेडलाइट पे कुछ कलर लगा दे, वो स्टिकर लगा दे दो सेम अच्छा वाला, कि दोनों एक कलर दिखे। सो वाओ, चलो भाई नंबर भी लग गया और मज़ा आ गया। हाँ जी यार, नंबर यहाँ लग गया, अब सेम ऐसा एक पीछे भी लग जाएगा। बाकी इसके बाद आरिफ के पास पास पहुँच गए यहाँ पे, आए फटाफट। आरिफ ने स्पीडोमीटर वायर दिया है, एक वो साइड और एक साइड लगा दिया, हाँ यहाँ पे, इसलिए मैंने निकाल दिया। एक मिनट, टाइट नहीं हो रहा, ये स्लीप है, टाइट नहीं हो रहा, स्लीप है ना, उल्टा लगा रहा होगा तू ऊपर का नीचे। नहीं नहीं, ये ऊपर लगेगा, ये ऊपर लगे हाथ यहाँ पे, इसमें मीटर भी लग रहा है, यहाँ पे मीटर लगा दो। नहीं मीटर नहीं, सिग्नल लग रहा है, सिग्नल थोड़ा सा बाहर, अच्छा है बाहर रहेगा तो ज़्यादा, जब जलेगा तो ये दिखेगा। और सेम इधर भी, वाह 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 वाह, ये यहाँ से ये चाकी मिल नहीं रहा था बट यहाँ मिल गया। दे दो, आंसू थे, बहुत खतरनाक आंसू थे वो। अगर समझो आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप वो नहीं करोगे ना, लेकिन क्या करें, कुछ लोग हैं जिनको पसंद भी नहीं है फिर भी आते हैं, वीडियो देखते हैं और कुछ ना कुछ, क्या भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता भाई, नहीं पसंद है तो नहीं। ये भी सिग्नल यहाँ पे लग गए भाई, थोड़ा सा बाहर बाहर दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा बाहर बाहर दिख रहा है। अब ये सब कब चालू होगा, जब इसमें बैटरी और वायरिंग लगेगा, तो उसमें मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से मैं बैटरी करूँ। और टेढ़ा नो प्रॉब्लम यार, सिग्नल तो सिग्नल है, टेढ़ा क्या लग रहा है, देखा नो प्रॉब्लम, लाइट जलेगा तो सही दिखेगा बाद में, मेरी पट्टी की वजह से। हाँ वो सीधा कर लूँगा मैं इसको ना, वो उसके वजह से लग रहा है, जो बाहर आया है ना वो बाहर, वो उसके वजह से लग रहा है। ये नहीं, ये पट्टी तेरे को ऐसा ऐसा है ना, ये हाँ ये पट्टी तेरे को ऐसा थोड़ा सीधा, हाँ चलो बाद में तेरे को सीधा दिखेगा, खोल के हाँ चलता है, खोल के निकाल देंगे अभी। चल अभी लगा दे कि लोगों को दिखना चाहिए कि गाड़ी में सब कुछ है। ओके, दिखना है यार स्पीडोमीटर इसका चालू होते हुए यार, देखना है तो इसका एवरेज निकालेंगे कि कितना एवरेज देता है, इसका ओरिजिनल कार्बोरेटर में कितना एवरेज देता है। तो यहाँ पे लग गया है, तो क्या है कि मेरा वाला ये जो है ये थ्रेड खराब हो गया मेरा इसका, तो ये भी मैं गाड़ी व्हील निकालूंगा, ये निकालूंगा और ये इसमें लगाऊंगा, ये सेम ही है ना, हाँ हाँ सेम है, अरे नो प्रॉब्लम, ठीक हो जाएगा। तो ये इसमें लगाएंगे और अपना स्पीडोमीटर चालू करेंगे। वो लगा कि नहीं, निकल क्यों गया वो, हाँ वो संभल, वो ध्यान देना पड़ेगा, दिखा ये थोड़ा, तो वो पट्टी थोड़ा ऐसा ना गरम करा का थोड़ा सीधा करा देगा ना तेरा, हो जाएगा ना सही है, देख उधर का फिर थोड़ा सा, इधर का थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा बैंड है पर लग रहा है ना यार। अब यहाँ पे खाली एक टेल लाइट डालना है, क्या डालना है, टेल लाइट, वो भी देखेंगे। मैंने कितना टाइट कर दिया था, एकदम फुल टाइट कर दिया था, थोड़ा ऊपर रखना, लेकिन घूम तो रहा था नया है, नया अच्छा पुराना वाला है, देखता हूँ गियर इसमें नया लाया था। चलो बैठ गया। ओके ये बंद कर दे छोड़, डालने से परेशानी हो रही है। मीटर तो लग गया, वायर भी लग गया है। सो यहाँ पे एक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जो ये इसका ये जो लॉक है, ये हमने नए वाले का लॉक लगाया था, तो ये क्यों निकल रहा है, ये तो काम कर रहा है ना, अंदर गियर ही नहीं घुमा, हाँ घूम रहा है वो, देख घूम रहा है लॉक, तो घूम रहा है लॉक, घूम रहा है, देख अभी लगा है क्या, देख नहीं नहीं है? नहीं हाँ लगा, लगा है ना, हाँ लग गया, हाँ लग गया, रुक जा। रुक जा, घुमा ऐसे ही ना, हाँ नहीं उल्टा, अरे उल्टा रहे, उल्टा घुमा रहे, उल्टा घुमा रहे, हाँ
तो सबसे पहले तो आप लोगों को दिल से थैंक यू कि इतने सारे कमेंट्स आज आए, पर मैंने अपने फ़ोन में नहीं किसी और के फ़ोन में देखा, बिकॉज कि जो मेरा कमेंट का नोटिफिकेशन जो मुझे आता है वो बंद हो चुका है, सिर्फ मुझे मेरे कमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, बाकी नोटिफिकेशन आ रहे कि इसने वीडियो अपलोड किया, इसने वीडियो अपलोड किया, लेकिन मेरे कॉमेंट्स के नहीं आ रहे। और ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों का है, 100-150 लोगों का ये प्रॉब्लम चल रहा है। जस्ट मैं और चैंग बैठे थे, देख रहे थे, यूट्यूब को मेल किया, उन्होंने कुछ अलग ही जैसा मेल वो लोगों ने यूट्यूब ने भेजा है, स्टेप बाय स्टेप किया, लेकिन मेरा सब कुछ पहले से ओके है, फिर भी मुझे कमेंट्स के नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। अब ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम, अगर ये किसी को मालूम है तो प्लीज़ मुझे मेल करे या कॉल कर दे यार, नंबर तो सबके पास है ही है मेरा, अगर नहीं है तो मुझे मैसेज करते, मैं नंबर चेंज कर दूंगा। और गाइस आप लोगों का दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। आज तो सुबह मन ही नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, 1 बजे तक सोया था, बहुत ऐसा मन करते बस हो गया बंद कर देता हूँ, लेकिन क्या बोलूँ, एक अंदर से आप लोग का कमेंट देख के हिम्मत आई कि नहीं यार चलो शुरुआत करते हैं, तो कर दिया शुरुआत एक नई जोश नई उम्मीद के साथ। किलोमीटर KTM का इंडिकेटर का बाइक में फिक्स कर दिया, बाइक अभी थोड़ा आगे से अच्छा दिख रहा है। ये है कि अगर आपका सिर्फ हैंडल का कंप्लेंट है सो हैंडल भी देखते हैं। अभी मैं जो करना है बाइक में बैटरी और वायरिंग, ओके। अब जो मैंने सीट के पीछे स्पीडोमीटर सीट के पीछे जो लाइट लगाया है वो बाद में लाइट निकलेगा, जब पेटी वेटी बनाऊंगा सामान रखने के लिए तो स्पीडोमीटर निकाल के पीछे लग जाएगा, टेल लाइट भी लगाना बाकी है। सो मेरा प्लान है बाइक पे घूमने का, टूर करने का, बाइक के साथ ही स्टे करने का, ऐसा प्लान किया है बहुत जो कम लोग ही इंडिया में करते हैं, होटल कुछ स्टे नहीं, बहुत बड़ा प्लान सोचा हूँ यार। ये बारिश ख़त्म होते होते बाइक को रेडी कर लूँगा, ऐसे निकलेंगे और जो बहुत मज़ा आएगा, बहुत सोचा आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसमें, बस एक बार हो जान दो रेडी, टाइम जाएगा। वैसे भी फाइनेंशियली भी थोड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ वहाँ काम करना पड़ता है तो जाके होता है। वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ना भूलिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए कि भाई ये भाई कुछ तो कर रहा है, अपना डेली लाइफ दिखा रहा है लोगों को, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। बाय बाय गाइस, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।